नमस्कार दोस्तों, सरकारी आदमी YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो के अंदर हम आपको यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक 2 के बाद की जितने भी यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज है अब तक की उनकी तमाम जानकारी देने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिल सके। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आज की हमारी पहली वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं BSF आर्मी और वायुसेना को मोदी सरकार का आदेश, कहा तैयार हो जाओ। जी हाँ, भारतीय वायुसेना द्वारा मंगलवार तड़के पाक अधिकृत कश्मीर में हवाई कार्यवाही कर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख ठिकानों को तबाह किए जाने के बाद इंडियन एयरफोर्स हाई अलर्ट पर है। जी हाँ, भारत की तरफ से अपनी वायुसेना BSF और आर्मी को अपने सभी एयर डिफेंस सिस्टमों को अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डरों और LOC पर हाई अलर्ट पर रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स कोई भी कार्यवाही करती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर POK में हवाई हमले कर आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के प्रमुख ठिकानों को तबाह किए जाने के बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय सैन्य विमान द्वारा की गई हवाई कार्रवाई के बाद विदेश कार्यालय में एक आपातकालीन परामर्श बैठक बुलाई है। इस बैठक में पूर्व विदेश सचिवों और वरिष्ठ राजनयिक भाग लेंगे, जिसमें वर्तमान स्थिति पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। पाकिस्तानी अखबार की वेबसाइट में प्रकाशित खबर में जानकारी दी गई है। सूत्रों के अनुसार भारत की तरफ से POK में बालाकोट, चकोटी, मुजफ्फरबाद में सुबह 3:30 बजे इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। इस हमले में बालाकोट में जैश का कंट्रोल रूम पूरी तरह से तबाह हो गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF काफिले पर पाकिस्तान समर्थित जैश ए मोहम्मद द्वारा किए गए आतंकी हमले से नाराज भारत की तरफ से कार्रवाई की गई है। फिलहाल PM मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, NSA एक अहम बैठक कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए इन हवाई हमलों के बाद भारत के राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा जो अभी अभी लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है वो इस प्रकार है। दूसरी लाइव अपडेट आप यहां पर देख पा रहे हैं, भारत ने LOC पर पाक का F-16 विमान मार गिरा, चंडीगढ़ पंजाब कश्मीर के सभी एयरपोर्ट से यात्री उड़ाने हुई बंद। जी हाँ, पाक के 3 विमानों ने बुधवार सुबह पुंछ राजौरी में भारतीय वायु क्षेत्र का उल्लंघन किया। पाकिस्तान के बालाकोट में वायुसेना के हवाई हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने बुधवार सुबह भारत के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर दिया। उसके 3 विमान पुंछ और राजौरी में घुस आए, लौटते वक्त कुछ बम भी गिराए हैं। हालांकि भारत की त्वरित कार्रवाई में पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान गिरा दिया गया है। विमान पर हमले के बाद पैराशूट से एक पायलट उतरता भी दिखा, उसकी स्थिति के बारे में अभी पता नहीं चल पाया है। इस बीच चंडीगढ़, पंजाब और जम्मू कश्मीर के सभी एयरपोर्ट से यात्री विमानों की आवाजाही रोक दी गई है। भारत के सभी एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और इस बीच बड़गांव में भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया है, जिसमें 2 पायलट शहीद हो गए हैं। वहीं कश्मीर में LOC पर 12 जगह फायरिंग हो रही है। इसके जवाब में देर रात भारतीय सेना ने पाक की 5 चौकियां तबाह कर दी, उसमें भी कई सैनिक मारे गए, भारत के 5 सैनिक जख्मी हुए। इस बीच जम्मू कश्मीर के बड़गांव में भारतीय वायुसेना का जेट क्रैश हो गया है। मौजूदा हालत को देखते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान से उसकी जमीन पर मौजूद आतंकियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने को कहा है। पुलवामा हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने मंगलवार तड़के पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमला कर जैश के कई ठिकानों को यहां पर तबाह कर दिया था। इसमें 350 आतंकी मारे गए थे। उत्तराखंड में देहरादून एयरपोर्ट से भी विमानों की आवाजाही रोकी गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, अगर अमेरिकी नेवी सेल्स पार्क के एबटाबाद में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार सकते हैं तो आज कुछ भी संभव है। प्रधानमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय बैठक, जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय सलाहकार और खुफिया एजेंसियों के उच्च अधिकारी मौजूद हैं। उधर पाकिस्तान ने लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रोक दी हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने NSA अजीत डोभाल, राष्ट्रीय चीफ और गृह सचिव और आला अफसरों की भी बैठक बुलाई है। भारत पाक के बीच चलने वाली उड़ानों पर भी असर पड़ा है, कुछ का मार्ग बदला है तो कुछ को वापस बुला लिया गया है। वायुसेना के पायलटों को तत्काल उड़ान भरने के लिए तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। और नौशेरा की लाम वैली के पास गिराया गया पाकिस्तानी F-16 विमान यहां पर गिरा दिया। और यहां पर आप देख पा रहे हैं पाक का दावा, भारत के 2 विमान गिराए। जी हां, पाक विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर दावा किया है कि उसने भारतीय वायुसेना के 2 विमानों को मार गिराया है। इसमें से एक POK में और दूसरा कश्मीर में गिरा। उनका यह दावा है कि POK में गिरे विमान के एक पायलट को उसने गिरफ्तार भी कर लिया है।
और दूसरा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं न्यूज एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान सेना के बारामूला, पूंछ, राजौरी, नौशेरा और अखनूर सेक्टर में मोर्टार दागे गए हैं। पाक सैनिक गांव वालों को ढाल बनाकर फायरिंग कर रहे हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए LOC से सटे गांवों में बुधवार को स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है और भारतीय वायुसेना के विमान कश्मीर में सीमा पर रात भर से चौकसी बरत रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर इमरान खान ने आपात बैठक बुलाई है और रक्षा मंत्री सीतारमन ने भी तीनों सेनाओं प्रमुखों के साथ बैठक करने वाली हैं। शोपिया में मुठभेड़, जैश के दो आतंकी ढेर हुए। इस बीच कश्मीर में शोपिया जिले के मिमेंदर में सुरक्षा बलों ने जैश के दो आतंकियों को ढेर किया है। यहाँ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने बुधवार तड़के सर्च ऑपरेशन शुरू किया था और उधर कोलकाता STF और मुर्शिदाबाद पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में जमात उद मुजाहिदीन के दो आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से विस्फोट बरामद किया गया है। इसके साथ साथ अमेरिका ने पाक पर दबाव बनाया है। भारतीय वायुसेना की कार्रवाई को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, मैंने पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से बात की है, उनसे कहा है कि सैन्य कार्रवाई से बचने और मौजूदा तनाव को कम करने को प्राथमिकता दी जाए। पाक उसकी जमीन पर मौजूदा आतंकी गुटों पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करें। पोम्पियो ने भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी बात की है। उन्होंने मौजूदा हालात पर भारत को संयम बरतने को कहा है। इसके साथ साथ चीन के सामने पुलवामा हमले का मुद्दा उठाया गया है। जी हाँ, भारतीय, चीन और रूस के विदेश मंत्रियों की 16वीं बैठक चीन के वुझेन में चल रही है और उसमें सुषमा स्वराज ने चीन के समक्ष वांगशी के सामने पुलवामा हमले का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कायराना आतंकी हमले सभी देशों को आगाह करने वाले हैं, इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाने और निर्णायक कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ यहाँ पर आज की जो हमारी टोटल अपडेट है वो ख़त्म होती हैं। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।